So, talking about the moving coil galvanometer, the currents and voltages in circuits have been discussed. और करंट नापते कैसे बेसिकली कह रहा है तो मैंने बताया था कि भाई ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, राइट? और जो अपन ने पीछे सीखा उसको यूज करके ये करा जा सकता है. तो इसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, वो देखिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा समझ लीजिएगा. ये एक सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, इससे फायदा ही होता है. ये अपन जब मेंस का सेक्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पे बताएंगे किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाती है. एक दूसरा वो देख रहे हैं आप, ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस आ रही हैं तो ये परपेंडिकुलर ही होंगी. जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था मेटल पर परपेंडिकुलर फिनिश होती है, वैसे की वैसे परपेंडिकुलर फिनिश होने से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं भी बता दूंगा, आप बस देखते जाइए, ठीक है? तो ये कैसा कॉपर का, जैसा आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट आयरन कोर का, ऐसा एक सिलेंडर सा है. ये स्प्रिंग है जिसके पीछे, ऑलराइट, ये पिवट है. टॉप व्यू दिखा रहे हैं अपन को, और ये नॉर्थ और ये साउथ पोल की परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ पे रखती. और ये जो आप देख रहे हैं कॉइल, इसमें बेसिकली हमारा करंट एंटर होता है, ऑलराइट, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये देखेंगे तो एक लूप हो गया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एन आई ए करके हो जाएगा. अब जैसा मैंने बताया था कि ये सब जगह इसके परपेंडिकुलर, तो टॉर्क वेक्टर जब वो लिखने जाएंगे एम क्रॉस बी, राइट, तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए था एम बी साइन थीटा, वो इसके घूमने से चेंज नहीं होगा. क्योंकि मान लो यहाँ गया तो भी आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर 90 डिग्री पे रही है. यहाँ पे था तब भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री पर ही था, देखिए ना. जहाँ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मोमेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी. तो ये साइन थीटा की वैल्यू इज So this is the benefit. Since the field is radial by design, taken sin theta is equal to 1 by expression for the torque. अभी magnetic moment की ऐसे घूमेगा और जो नीचे spring है वो counter torque देगी k phi का, और ये दोनों balance हो जाएंगे. ये आपका जो torsional pendulum नहीं पढ़ा था अपने, torsion वाला केस, उसमें क्या आता था, ये वैसे ही torsion वाली चीज है. तो इक्विलिब्रियम ऐसा आ जाएगा, ये टॉर्शनल कांस्टेंट है. तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ऑलराइट, के हो जाएगा आपका. द डिफ्लेक्शन इज इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय पॉइंटर, ये जितना ज्यादा करंट आप देख सकते हैं उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, और एक गिवन गैल्वेनोमीटर के लिए चीज कॉन्स्टेंट. ये इसके यूजेस बता रखे हैं जो आपने पहले भी पढ़े हुए, ठीक है? पॉइंटर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, डिपेंड करता है आपने जीरो कहाँ पे सेट किया हुआ, सब बातें इसमें कर रखी है. ये माइक्रो एम्पियर तक का करंट नाप सकते हैं, सोचिए. आप बोलेंगे सर इतना छोटा करंट कैसे नापेगा, नापता होगा. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आप एन ए बी के इतने सारे फैक्टर हैं आपके पास में, जिसमें से एन तो आप खूब अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं लपेट लपेट के पतला तार लेके, और एरिया भी ठीक ठाक बढ़ा ले लीजिए तो आप देखेंगे छोटे छोटे करंट के लिए बड़ा बड़ा डिफ्लेक्शन आ जाएगा. वो करंट शंट रेजिस्टर, ये पूरा मीटर चल रहा है यहाँ पे, या मीटर में जो पढ़ा चुके सब है यहाँ पे, राइट? करंट सेंसिटिविटी अच्छी बात कर रहा है कि कितना बड़ा एंगल कितने छोटे करंट पे, दैट इज करंट सेंसिटिविटी, वो एन ए बी बाय के आ जाएगा. और ये बोला कन्वीनियंट वे टू मैन फॉर मैन्युफैक्चर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी इज इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि मैग्नेट्स वगैरह की मैग्नेटिक फील्ड आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वो स्टैंडर्ड मिलती है. ऐसे ही के और ए बी, एक ये नहीं कि बिठा के अपने हाथी के बराबर का गैल्वेनोमीटर बना दिया, देखो जी कितना बड़ा एरिया हो गया. तो नंबर ऑफ टर्न्स इज ज़्यादा लॉजिकल तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका है, जिसको बढ़ा सकते हैं सेंसिटिविटी के लिए.
अब आपके दिमाग में आएंगे कि 400 ऐसे भी तो बढ़ सकते हैं, ऐसे बढ़ सकती, तो जब अपनी फैक्ट्री डाल ले, गैलोमीटर बना लेगी, तो आप इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। अभी तो तरीका यही अवेलेबल है, सही है कि नहीं? अब ये वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, वहाँ चले गए, ये भी हमने आपको सिखा रखा है, तो इसमें मैं जान ही रहा, आपने पढ़ा होगा तो याद आ गया होगा, वही समझा रखा है। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं एज अ वोल्ट मीटर, तो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या निकल के आती है कि इसको एन ए बी बाय के आई बाय वी हो गया ये, और आई बाय वी हो गया 1 by resistance that increasing the number of current sensitivity may not, interesting point है कि current sensitivity जो है may not necessarily increase the voltage sensitivity, कहने का मतलब आप number of turns double कर रहे थे तो आपकी current sensitivity double हो जाती थी, परंतु यहाँ पर आप number of turns बढ़ाएंगे तो resistance भी उतना ही बढ़ जाएगा, इसलिए voltage sensitivity पर कोई फर्क नहीं पड़ता number of turns बढ़ाने। सो इन जनरल द मॉडिफिकेशन नीडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज तक जेई में इस पर वोल्टेज सेंसिटिविटी वाली आइडिया पर सवाल नहीं आया है, और मेरा पता नहीं कब से मेरे को लगता आएगा आएगा आएगा, ऑलराइट 15 साल तो हो गए पढ़ाते हुए, इस बात को याद दिलाते हो बच्चों को कि इम्पोर्टेंट बात है, देखिए शायद आपको फ़ायदा हो जाए, ऑलराइट, कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ाने का जुगाड़ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना नहीं है, इसको यूज़ कैसे करेंगे मैं भी सवाल नहीं सोच पाता, ऑलराइट, भाई फॉर्मूला है आपके पास, इसको देख लीजिए, तो इस फॉर्मूले इस चीज पे जेई में सवाल आया है, मैं तो आपको ये कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन ऑन मैग्नेटिक डायपोल, कि एसेंशियली ये क्या कह रहे हैं कि जी जो ये आप एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाल दे रहे हो ना, मतलब सॉरी इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकाल दे रहे हो ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे करके आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आई, राइट, ये इसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखेंगे तो, यदि थोड़ा सा आपको डायपोल के लिए फॉर्मूले याद हो, राइट, तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल याद आ रहा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले होते थे एक ई आर और एक ई थीटा, और ऐसे एक्सिस पे भी आ जाता था, इनफैक्ट एक्सिस पे याद करेंगे तो फॉर्मूला क्या आता था, राइट, फॉर्मूला आता था एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का, टू के पी बाय आर क्यूब आ जाता था, फिर के वॉज 1/4 pi epsilon नॉट, ये उससे रिलेट कर रहे हैं, कैसे देखिएगा, सबसे पहले तो उनका यदि x को बहुत बड़ा कर दो r से, राइट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो ऐसा हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन से, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, x को आप निकाल लीजिए बाहर, x क्यूब बाहर आएगा, r बाय x स्क्वायर हट जाएगा, राइट, इसको बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब भी आएगा, और यदि आप ये अप्रोक्सीमेशन मारेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये इसमें लूप का एरिया जबरदस्ती इंट्रोड्यूस कर रहे पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, राइट, तो ये बन गया है, और ये फॉर्मूला देखिए फाइनली एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ रहा है जैसा डायपोल का आता था, राइट, इनफैक्ट डिराइव तो नहीं करके दिखा रहे,
कैन बी शोन बट दे आर नॉट शोइंग. क्या कि जिस मान जो कंक्लूजन की बात है बोल दूं मैं तो, कि यदि मैंने एक मैग्नेटिक मोमेंट एम वेक्टर यहाँ रख छोड़ा है और कोई मेरे से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले आर वेक्टर की पोजीशन पर, तो एक बी आर और एक बी थीटा दो कंपोनेंट आएंगे, जहां पे बी आर राइट वुड बी जो ऊपर निकाले थे अपन 2m क्या था बाय एक्स क्यूब इंटू म्यू नॉट बाय 4π, और बी थीटा आपका आ जाएगा m बाय एक्स क्यूब म्यू नॉट बाय 4π, बिल्कुल वैसे जैसे डायपोल के लिए आता था, यही उन्होंने लिखा. तो दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. कोई भी एक प्लेनर लूप है तो ये उसके लिए लगा सकते हैं किसी भी शेप के. बेसिकली तो ये क्या कह रहा है भैया, आपने एक मैग्नेटिक मोमेंट रख दिया ना जिसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है. आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये घूमती हुई चार्ज बॉडी है क्योंकि उसका ही मैग्नेटिक मोमेंट होता था, या एक करंट कैरिंग वायर है किसी शेप का. यदि आप इससे बहुत दूर जाके इसका असर लिख रहे हैं तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कह रहे हैं. और इस पर टॉर्क वगैरह भी वैसे के वैसे ही लगेंगे, जैसे कि फॉर्मूला भी आपने टॉर्क का वही आया था. यहाँ पे एक छोटी सी बात और, राइट मैं दूसरा एक पेज खोल लू. तो इनफैक्ट एक मैग्नेटिक फील्ड है से एक मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, और इसमें यदि हमने एक डायपोल रख दिया ऐसे मैग्नेटिक या फिर ऐसे एट एन एंगल, राइट इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस एम डॉट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस एम डॉट बी. ये वही फॉर्मूला जो इधर आया था माइनस पी डॉट ई आया था ना, बिल्कुल वैसा का वैसा. तो कोई भी इनफैक्ट अपन ने एम वेक्टर बना दिया तो इसको बिल्कुल इलेक्ट्रिक डायपोल जैसा ही सब कुछ, इस पर टॉर्क वैसे ही लगेगा दूसरे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. एम क्रॉस बी जैसे इधर आया था आपको याद हो तो टॉर्क पी क्रॉस ई राइट
इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लिखेंगे, राइट। इनफैक्ट एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, वो चलो मैग्नेटिज्म में समझो। एक और पार्ट ये भी है जो इससे थोड़ा कम रिलेटेड है, लेकिन ये सीधे सीधे जेई में आ सकता है इसी फॉर्म में, इसलिए मैं यही डिस्कस कर देता हूँ। फिर हम लोग को लास्ट वाला फिफ्थ चैप्टर वाला पार्ट लेंगे। इसमें क्या है भाई कि अपन तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं, ये सब अपन को पता है। ये कह रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को भी एक ऐसा करंट माना जा सकता है, तो ये भी एक मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसकी वजह से। अच्छा, घूम ऐसे रहा है राइट, तो अंदर आएगा क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, इसलिए आप देखेंगे कि ये अंदर बना रखा है, ऐसे बाहर नहीं आएगा, राइट एंड रूल से बाहर दिख रहा है क्योंकि घूम ऐसा है लेकिन नेगेटिव चार्ज, इसलिए तो ये इसका वैल्यू। इसको भी मैग्नेटिज्म में काम आएगी चीज, तो इन्होंने इसका ये मैग्नेटिक मोमेंट बता दिया। एल जो है आपका एंगुलर मोमेंटम है जो क्वांटाइज होता है, ये अपन रिजल्ट निकाल ही चुके हैं पहले प्लैंक वाला, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट भी एसेंशियली क्वांटाइज होता है, राइट। और इसको बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, ये थोड़ा बहुत पता हो तो अच्छा है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी स्पिन एक्सिस के ऊपर घूम रहा है वो नहीं है, सॉरी मैंने कुछ गलत, besides the orbital moment, the electron is an intrinsic magnetic moment which is same numerical value as given, it is called spin magnetic moment, ठीक है। ये वैसा नहीं है कि जैसे physically घूम रहा है, क्योंकि वो अलग चीज है basically, यही कह रहा है, right? पर इसके अंदर घूमने का भी होता, तो इस तरफ अपन ज़्यादा नहीं जाए तो ठीक रहेगा। ये वाला पोर्शन अपन उधर थोड़ा सा उधर देख लेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट हम लेंगे। एनी चार्ज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट अ मैग्नेटिक मोमेंट, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इसके पास इतना ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। चलिए,